सभी एंशियंट रिलीजन्स की तरह इजिप्शियन माइथोलॉजी में भी स्काई और स्टार्स को एज अ सिंबल ऑफ डेटीज और गॉड्स की तरह देखा जाता है, जिनमें से उनकी मोस्ट बिलव्ड और प्रीमोडियल गॉडेस है नट द इजिप्शियन स्काई गॉडेस। आज हम इसी गॉडेस को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। इजिप्शियन माइथोलॉजी में ग्रेट गॉडेस नट एक प्रीमोडियल एंशिएंट डेटी थी, जो कि पूरे इजिप्ट की मोस्ट बिलव्ड गॉडेस में से एक थी, जिन्हें स्काई गॉडेस होने के कारण सभी गॉड्स और डेटीज का जनक माना जाता था। इजिप्शियन माइथोलॉजी में नट ने क्रिएशन और कियोस के ऑर्डर को मेंटेन करने वाले बैरियर्स के रूप में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इजिप्टोलॉजिस्ट का मानना था कि उन्हें अर्ली ट्राइब्स और नाइल वैली एरा के द्वारा वर्शिप किया जाता था। इजिप्शियन क्रिएशन स्टोरी में नट और गैप को पैशनेट लवर्स की तरह देखा जाता था, जो हमेशा एक दूसरे के साथ इंटीमेट रिलेशन बनाते रहते थे और जो एक समय पर एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उनके बीच कोई भी नहीं आ सका, जिन्हें रोकने के लिए मजबूरन एयर गॉड शू को आना पड़ा ताकि यूनिवर्स का बैलेंस खराब ना हो सके। पर इससे पहले कि वो सेपरेट होते, नट ने अपने चार बच्चों को जन्म दे दिया, जिसमें ओसाइरिस लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड, आइसिस गॉडेस ऑफ नेचर एंड मैजिक, सेट गॉड ऑफ वॉरफेयर एंड डिस्ट्रक्शन और नेफ्थियस गॉडेस ऑफ वाटर और फ्यूनरल राइट्स का जन्म हुआ। पर इन बच्चों के जन्म से सन गॉड रा बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि ये बिना किसी ऑस्पिशियस रिचुअल के पैदा हुए थे। एक और मिथ के मुताबिक नट हर रोज सन गॉड को जन्म देती है, जो उसकी बॉडी से पास होता हुआ सनसेट होते ही उसके मुंह में पहुंच जाता है और ये साइकिल इसी तरह सुबह से शाम तक चलती है। रा ने इन बच्चों के जन्म को रोकने के लिए ये डिक्लेयर तक करवा दिया कि नट साल के किसी भी दिन में बच्चों को जन्म नहीं देगी, और उस समय साल 360 दिन का हुआ करता था, जिससे नट परेशान हो गई। उसने अपने इन बच्चों को जन्म देने के लिए गॉड ऑफ विजडम थॉथ के साथ मिलकर प्लान बनाया और गॉड ऑफ मून होंशु को गेम ऑफ चांस खेलने के लिए चैलेंज कर दिया, जिसमें हारने पर उसे अपनी मून लाइट को थॉथ को देना पड़ा। थॉथ ने अपनी इस मून लाइट से साल के 4 एक्स्ट्रा डेज को बनाया ताकि वो अपने उन चार बच्चों को जन्म दे सके, और इस तरह नट अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गई। जब रा को नट के इस सीक्रेट प्लान के बारे में पता चला, तो उसने अपने फादर गॉड ऑफ एयर शू को हमेशा के लिए नट और गैप के बीच रहने के लिए कह दिया, ताकि वो अब कभी भी एक दूसरे के साथ इंटीमेट ना हो सके। एक प्रीमोडियल डेटी होने के कारण नट को आफ्टर लाइफ में एंटर करने वाली सोल्स का प्रोटेक्टर माना जाता था, जो मरे हुओं के लिए मदर या फ्रेंड लाइक गार्डियन थी, जो अंडरवर्ल्ड में उनकी हेल्प करती थी, जिसे कॉफिन्स और सार्कोफेगी से भी जोड़कर देखा जाता था। उसे काओ गॉडेस की तरह भी देखा जाता था, जिसके पास क्वालिटीज ऑफ हाथौर थी। उसे मोस्ट कॉमनली एक नेक्ड वुमेन की तरह दिखाया जाता है, जो अपनी बॉडी को आर्म्स की तरह स्ट्रेच किए हुए हैं। डेथ और अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के कारण कई बार नट को गॉडेस ऑफ डेथ का टाइटल भी दिया जाता है, जिनकी इमेजेस एंशिएंट इजिप्ट के लगभग सभी तरह के कॉफिन्स और टॉम्ब्स में पाई गई। ग्रेट गॉडेस ऑफ द स्काई के टाइटल के साथ उन्होंने मदर ऑफ ऑल लाइफ के टाइटल को प्ले किया, जो हर तरह की स्पिरिट को रिसीव करती है। तो दोस्तों, ये थी नट द डिवाइन इजिप्शियन गॉडेस ऑफ स्काई, जिनके बिना इजिप्शियन माइथोलॉजी अधूरी है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।